प्रदेश का सियासी पारा इन दिनों अपने पूरे शबाब पर है। आप देखेंगे हर रोज गठबंधन हो रहे हैं, टूट रहे हैं या कुछ भी उठापटक हो रही है। हाल में हम बात करने वाले हैं आज INLD का जो BSP के साथ गठबंधन हुआ है, तीसरी बार यह गठबंधन हुआ है और क्या कुछ इस गठबंधन का असर रहेगा और क्या कुछ प्रदेश की राजनीति पर इसका प्रभाव पड़ेगा, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार और इस विशेष चर्चा में मेरे साथ मौजूद है कुलदीप शोरान जी। सर, तीसरी बार गठबंधन हो गया है अभय चौटाला का कहें, INLD का BSP के साथ, क्या लगता है तीसरा विकल्प बन पाएंगे हरियाणा में? देखिए, सिंपल सी बात है कि इस समय सबसे बड़ी चर्चा प्रदेश में यही है कि क्या अभय चौटाला और BSP का गठबंधन वोट काटू है या तीसरा विकल्प है, क्योंकि जहां तक कांग्रेस की बात है, हुड्डा फैमिली की बात है, वो इस गठबंधन को वोट काटू गठबंधन बता रहे हैं और अभय सिंह चौटाला इसे सत्ता का दावेदार बता रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, दोनों के अपने अपने तर्क हैं। कांग्रेस के नेता इसलिए इसको वोट काटू बता रहे हैं, उनको पता है कि अगर ये गठबंधन मजबूत हुआ तो निश्चित तौर पर BJP विरोध के जो वोट वो बटेंगे, और अगर वोट बटेंगे तो उसका नुकसान कांग्रेस को होगा। और INLD और BSP का ये मानना है कि दोनों 1 और 1 11 हो गए हैं और जिन प्रत्याशियों को टिकट नहीं मिलेंगे कांग्रेस के, जो थोक के भाव जैसे दावेदार कांग्रेस में बैठे हुए हैं, कि वहां से जो 20-30 लोग वहां से भागेंगे, उनके लिए पहले विकल्प के तौर पर INLD और BSP रहेंगे। तो ऐसे में वो जो है, यानी कि दुष्यंत चौटाला की तरह, जिस तरह से पिछली बार दुष्यंत चौटाला ने इनको लपका था, हाँ वही 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 जो है कि भाई वो साबित बन जाएंगे। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं अभय चौटाला की बात में दम ज्यादा है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इस समय अब तक जो कांग्रेस के जो आवेदन है, जो 31 तक मांग रखे हैं, तो उसमें 600 से ज्यादा 90 सीटों के लिए 600 से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं। तो जाहिर सी बात है सीटें तो 90 ही हैं और 90 में से भी 30 सीटिंग MLA हैं, तो 60 सीटों के लिए 600 आवेदन आ चुके हैं। तो जिन लोगों को हर हालत में चुनाव लड़ना है और जिन्होंने अपने एरिया में कह दिया कि हम चुनाव लड़ेंगे, तो उनको तीसरा विकल्प चाहिए। जाहिर सी बात है कि आज की तारीख में JJP खत्म है, आम आदमी पार्टी विकल्प के तौर पर नहीं है। तो ऐसे में जो है INLD और BSP ही एकमात्र ऐसा विकल्प तीसरा बन गया है जिसके बारे में चुनाव लड़ने वाले नेता सोच सकते हैं। क्योंकि देखिए, सिंपल ये एक फिगर है कि INLD और BSP के दोनों के मिलने के बाद लगभग आप 90 में से जो है 70 हल्के ऐसे हैं जहां पर इनको 8,000 से और 45,000 तक इनके पास वोट बैंक है। तो क्योंकि और 8 से 10 कैंडिडेट इनके पास चुनाव के पास पहले से हैं जो नंबर 1 नंबर 2 की लड़ाई में रहेंगे। तो ऐसे में अगर 15-20 कैंडिडेट इनको और मिल जाते हैं तो वो दुष्यंत चौटाला की तरह पोजीशन में जो है तीसरे नंबर की पार्टी बन सकते हैं। अभय चौटाला अपनी पार्टी का 6% वोट के साथ सिंबल भी बचा सकते हैं और मान्यता बचा सकते हैं। यानी अभय सिंह चौटाला का ये गठबंधन निश्चित तौर पर उनके अस्तित्व के लिए, उनकी पार्टी को बचाने के लिए एक संजीवनी नजर आ रहा है। किंग मेकर मतलब वो बन सकते हैं। ये किंग मेकर की बात करना अभी थोड़ा सा दूर की बात नहीं, अगर सीटें आ जाती ठीक ठाक सी तो हो सकता है दाव लग जाए। देखिए तो है, ये तो है, अगर 10-12 MLA आ जाते हैं, देखिए चाचा को मलाल भी होगा कि भतीजा जो है वो डिप्टी CM बन गया और चाचा भी नहीं बने। देखो ये तो सब मान रहे हैं कि वे जो है कि जहां प्रकाश चौटाला का आशीर्वाद था उसके बावजूद अभय सिंह चौटाला फेल हो गए और दुष्यंत चौटाला पास हो गए। तो अभय सिंह चौटाला चाहते हैं कि BSP के साथ गठबंधन करके वो कम से कम अपनी सरकार ना बने तो कम से कम दुष्यंत चौटाला की पोजीशन में तो आए। लेकिन अब ये दारमदार इस बात पर रहेगा कि अभय सिंह चौटाला के पास कैंडिडेट कैसे आते हैं, माहौल कैसा बनता है, कांग्रेस में कितनी बगावत होती है, BJP के प्रति नाराजगी बढ़ती है। तो यानी वो भविष्य गर्म है, लेकिन अभय सिंह चौटाला ने BSP के साथ गठबंधन करके अपने लिए चौका जरूर मार लिया है। लेकिन ये भी चुनौती है कि पहले भी 2 बार गठबंधन हुआ है और 1 बार गठबंधन कामयाब था और दूसरी बार गठबंधन 3 महीने में टूट गया था। तो अभी 3 महीने गठबंधन के पास चुनाव से पहले और भी हैं। तो अभय सिंह चौटाला मायावती उतना खुश रखते हैं, BSP के जो कैडर है उसको अपने साथ कैसे जोड़ते हैं तो उनके लिए एक चुनौती रहेगी। बड़ी बात ये भी है ना, BJP का हंटर जिस तरह से चलता है, केंद्र में फिर से BJP की सरकार है, NDA की सरकार है, तो जो हंटर चलता है चाहे वो मायावती हो या जो भी है, उनको एकदम से चुप करा दिया जाता है, बिठा दिया जाता है। हो सकता है एंड टाइम पे अगर कुछ ऐसा होता है तो वोट शेयर डिस्टर्ब करने के लिए फिर से कह दे मायावती को गया हरियाणा में। ना, देखिए सिंपल सी बात है कि BJP को ये पता है कि अगर हरियाणा में अगर वोट बटेंगे तो ही तीसरी बार सरकार आएगी। तो इसलिए जो है BSP और INLD के गठबंधन को टच नहीं किया जाएगा। और ये भी हो सकता है कि मायावती यहाँ पर जो है 2-4 रैलियां भी कर ले। आकाश आनंद को दोबारा प्रभारी बना दिया है तो आकाश आनंद तो हर जिले में घूमेंगे,
तो निश्चित तौर पर ये जो गठबंधन है इतना कमजोर मैं नहीं मानता, इतना कमजोर जाए ये हुड्डा फैमिली को बताने का काम करते हैं। तो ये तीसरे विकल्प के तौर पर कहीं ना कहीं देखिए, अगर जनता चुनाव ना भी जीते हैं लेकिन कम से कम तीसरे नंबर का गठबंधन बन गया है और इसके लगभग 40 से 45 सीटों पर मुझे आशा नजर आते हैं इसके कैंडिडेट जो है आप मान के चलिए कि लगभग जो है 20,000 से जो है 40,000 तक के वोट लेंगे, यानी एक मजबूत विकल्प के तौर पर बन सकता है। जीतने वाले कैंडिडेट अभी नहीं है, अब कांग्रेस में कितनी बगावत होती है, बीजेपी में कितनी बगावत होती है, उसके ऊपर ही इस गठबंधन का जो है दमखम और परिणाम डिपेंड रहेगा। बड़ी बात, अगर एक कास्ट फैक्टर की बात की जाए तो मायावती का सीधा सीधा एक वोट शेयर होता है, वो चाहे कोई भी कैंडिडेट है, वो कैंडिडेट का नाम भी नहीं पूछते हैं लेकिन वो एक वोट शेयर हमेशा उनको जाता है। लगता है वो वोट शेयर, एनएलडी का वोट शेयर प्लस जो कैंडिडेट आएगा, जिस तरह से आप कह रहे हैं हो सकता है कुछ कोई ऐसे कैंडिडेट हो, देवेंद्र गोगली जैसे कैंडिडेट, जैसे हैवी वेट कैंडिडेट थे, वो इस तरह के कैंडिडेट मिल जाए तो मामला पार भी हो सकता है। देखिए सारा डिपेंड करेगा कैंडिडेट कैसे आते हैं, क्योंकि जो आप मान के चलिए जो कांग्रेस में 600 लोगों ने आवेदन कर दिया है तो 600 में से जो है 60 को टिकटें मिलेंगी, तो 60 लोग ऐसे और भी तो होंगे ना जो चुनाव लड़ना चाहेंगे, कम से कम उनका ये होगा कि या तो इस बारे में निपट जाएं और नहीं तो कम से कम दूसरे या 30 नंबर पा के दिखा देंगे 2029 के चुनाव के पार्टी लिए। तो वो ढूंढेंगे पार्टी से चुनाव लड़ने की कोशिश जरूर करेंगे। और क्या है, पार्टी आईएनएलडी मेरे ख्याल से उनके लिए बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि जेजेपी के पास दूसरा कोई वोट बैंक नहीं है और वैसे भी जेजेपी की खिलाफत बहुत ज्यादा हो चुकी है। देखिए जो लोकसभा जो चुनाव परिणाम था उसमें जेजेपी सबसे डाउन रही है, 1% वोट भी नहीं मिले, तो मुझे नहीं लगता कि इस बार कोई भी सिंगल प्रत्याशी टिकट के लिए आवेदन करेगा। जिस तरह से 2019 के चुनाव में अभय सिंह चौटाला को प्रत्याशी ढूंढने के लाले पड़ गए थे, तो वही हालात दुष्यंत चौटाला के लिए बन गए हैं। तो ऐसे में ना तो जेजेपी को ढूंढेगा और ना आम आदमी पार्टी को ढूंढेगा, लेकिन आम आदमी पार्टी ने मजबूत चुनाव जरूर लड़ा है कुछ क्षेत्र में। लेकिन देखिए जीत और हार में ये फर्क होता है, अगर उनके 30,000 वोट आ जाते हैं तो आज आम आदमी पार्टी हरियाणा में तीसरी ताकत होती है, लेकिन अब चुनाव हार गए हैं तो चर्चे बंद हो गए हैं। तो और ये आप देखेंगे 1.5% वोट जो है एनएलडी के आए थे और लगभग 2% वोट बीएसपी के आए थे, तो 3.5% जो आए लोकसभा चुनाव में, लेकिन उसके बावजूद भी ये नंबर 3 का विकल्प बन गए हैं, एक और एक जो 11 होते हैं उसका कम्बिनेशन बन गया है। तो ऐसे मुझे लगता है कि भी निश्चित तौर पर ये गठबंधन जो है कम से 15 से 20 अच्छे प्रत्याशियों को अपने साथ जोड़ने में सफल हो सकता है, लेकिन इसके लिए भी अभय सिंह चौटाला के पास जो है लाइजनिंग करने वाली टीम होनी चाहिए, जो है मजबूत नेताओं को ढूंढने वाली उन पर नजर रखने वाली टीम होनी चाहिए, क्योंकि देखिए कोई भी नेता तभी आएगा तो उसको ये लगेगा कि उसके हल्के में एनडीए और बीएसपी के नाम पर उसे कम से कम 10,000 वोट मिल जाएंगे, तभी तो कोई आएगा ना। अगर वोट खाली जोड़ी होगी तो कौन जाएगा। तो इसके हिसाब से जो है ये मान के चलिए कि जो कांग्रेस और खासतौर हुड्डा परिवार जो उसको वोट काटू बता रहे गठबंधन को, वो वोट काटू नहीं है, वो एक जो है मजबूत विकल्प के तौर मुझे नजर आता है, जहां पर एक अच्छी संख्या में जो है कैंडिडेट आने वाले समय में इनको मिल सकते हैं और लगभग 30 से 40 सीटों के ऊपर जो एक गठबंधन है वो कहीं ना कहीं हार जीत का कारण बन सकता है। देखिए जहां पर 20 सीटें ऐसी है जहां पर हार जीत का अंतर हरियाणा हमेशा 5,000 से कम का रहता है, अगर एनडीए और बीएसपी के अगर 30 कैंडिडेट अगर 15,000 से और 25,000 तक के वोट ले गए तो नुकसान किसे है, जाहिर सी बात है ये वो वोट होंगे जो बीजेपी के विरोध के हैं, और ऐसे में अगर इतने कैंडिडेट उनको मिल गए चुनाव लड़ गए तो कांग्रेस की जो है सत्ता का रास्ता रोकने का गठबंधन बन सकता है, और एक गठबंधन के पास अगर और भी ज्यादा मजबूत कैंडिडेट आ गए तो 5-7 MLA के साथ ये गठबंधन जो है सत्ता का हिस्सेदार भी बन सकता है। बिल्कुल बड़ी बात है, हम चर्चा कर रहे थे जो एनएलडी बीएसपी का गठबंधन हुआ है, क्या वो प्रदेश में तीसरे विकल्प के रूप में उभर कर सामने आ रहा है, क्या वो इतने सशक्त हो सकते हैं कि किंग मेकर की भूमिका में आ सके, या फिर वो एक वोट काटू ही साबित होंगे, ये आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लगातार अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।